यार बोलू या ना बोलू, बोलू ना बोलू। अरे क्या हो गया? बैठ बैठ मुझे बता क्या बात है। वो करवा चौथ आ रहा है, आप मुझे साड़ी दिला लोगे? करवा चौथ पे हर मर्द अपनी घरवाली को साड़ी दिलाता है, नेकी और पूछ पूछ चलना साड़ी तो है। चल दिला लेता हूँ, ये चिप्स रख दे। दिखाओ भैया कोई अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाओ भैया। ये देखो सर। अरे यार अच्छी लग रही है, वाह बहुत ही सुंदर है। और दिखाओ भैया कुछ अच्छी सी। ब्लू कलर में चलेगा? हाँ दिखा दो। ये देखो अच्छी है ना भैया, कुछ और भी दिखा दो। बहन जी साड़ियाँ तो बहुत है दुकान में, लेकिन ये मार्केट में नया आया है इसलिए मैं आपको दिखाया हूँ। अच्छा फिर एक काम करो, ये दोनों ही पैक कर दो। अपनी माँ अपनी ही होती है, मेरी माँ के लिए कड़वा चौथाराए एक भी साड़ी नहीं देख रही और खुद के लिए दो दो साड़ियाँ ले रही। कुछ और है क्या भैया आपके पास में? क्या वो किसका फोन आ रहा है? पता नहीं यार किसका फोन आया। छोड़ तो कोई नहीं, शॉपिंग कर यार अपने लिए। काम करो ये दोनों ही पैक कर दो। क्या वो? कुछ नहीं ले लो, दोनों ले लो। ठीक है दोनों पैक कर दो। एक अपने लिए ले लूंगी, एक सासू माँ को दे दूंगी, जो पसंद आएगा वो रख लेंगी। यार मुझे एक बात बताओ, तुम दो दो साड़ियाँ क्यों ले रही हो? दो दो साड़ियाँ किस लिए ले रही हूँ? हाँ? एक मैं अपने लिए ले रही हूँ और एक मम्मी के लिए। एक मम्मी के लिए ले रही हूँ, मेरी सास के लिए। उनकी भी तो करवा चौथ है ना। अरे यार मैं ना तुम्हें गलत समझ बैठा, मुझे लगा कि तुम इतनी लालची हो कि तुम खुद दो दो साड़ी ले रही हो और उनके लिए एक भी नहीं ले रही। तुम तो बहुत अच्छी हो। तो आपको क्या लग रहा था मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ? हाँ मुझे तो हमेशा ऐसे लगता है कि तू सिर्फ अपने बारे में सोचती है। आपको गलत लगता है, मैं हमेशा अपने बारे में नहीं सोचती, मैं सबके बारे में सोचती हूँ। कभी मैं बेटी बनती हूँ तो कभी बहू बनती हूँ, मुझे हर एक जिम्मेदारी का एहसास है। ठीक है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे सौम्या, मुझे नहीं मालूम था कि तू इतना प्रेम की भावना अपने घर वालों की तरह मेरे घर वालों के लिए भी रखती है। मेरे तो, लिए जैसी मेरी सास है वैसी मेरी माँ है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे गर्व है तेरी सोच। माँ ये लो मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है माँ आशीर्वाद दे दो। तो आप भी एक काम करो, अपनी घरवाली के लिए अपनी माँ के लिए एक नहीं चार चार साड़ियाँ खरीद लिया करो यार, आपकी माँ भी खुश, घरवाली भी खुश और दुकानदार भी खुश, उसका भी धंधा और अच्छा चलने लगेगा। मैं चलता हूँ दक्ष वर्सेस सौम्या पे कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही दोबारा आते रहेंगे आपको एंटरटेन करने के लिए। हमारे 5 लाख फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।